हिंसा में मरने वाले लोगों की संख्या 38 बताई जा रही है, जबकि दंगे में मरने वाले इन मृतकों में 3 लोग यूपी के जनपद बुलंदशहर के रहने वाले थे। शाहिद अशफाक की मौत के बाद अब बुलंदशहर निवासी शाहबाज की भी मौत की खबर उसके पैतृक गांव अमरपुर पहुंची। आपको बता दें कि मुस्तफाबाद में खराद मशीन पर मजबूरी करने वाला शाहबाज हिंसा के पहले दिन यानी सोमवार से लापता था। बताया गया है कि हिंसा के बीच घर से दुकान बंद करने पहुंचा शाहबाज घर नहीं लौटा, जबकि गुरुवार की सुबह शाहबाज के परिजनों को उसकी मौत की खबर हुई। दंगाइयों ने शाहबाज को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था, मगर शाहबाज के परिवार को शाहबाज की कोई खबर नहीं थी। माहौल शांत होने के बाद परिवार शाहबाज को लगातार ढूंढ रहा था। गुरुवार सुबह 11 बजे शाहबाज का शव जीटीबी की मॉर्चरी में लावारिसों में रखा होने की जानकारी मिली। शाहबाज बुलंदशहर के अमरपुर गांव का रहने वाला था। अपने परिवार और बच्चों के साथ दिल्ली मुस्तफाबाद मजदूरी कर 4 पैसे कमाने के लिए गया था और वहां किराए का कमरा लेकर एक दुकान में लगी खराद मशीन पर मजदूरी करता था। मृतक के परिजन ये भी कहते हैं कि हिंदू मुसलमान के नाम पर ये नफरत और नफरत के चलते खेली जाने वाली खून की होली का ये सिलसिला आखिरकार कब तक चलेगा। दिल्ली हिंसा ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के इन परिवारों को जो जख्म दिए वो आसानी से भरने वाले नहीं है, और इन परिवारों में मरने वाले अपने परिवार के वो मुखिया थे जो 4 पैसे ज्यादा कमाने के लिए बड़े शहर यानी देश की राजधानी दिल्ली मेहनत मजदूरी के लिए अपने गांव से कूच कर गए थे। जी हम तो बहुत हैरान है जब से उनका नाम सुना है, और हमारा भतीजा लगता है वो, और रोना आ रहा है इस बात पे कि वो मेहनत मजदूरी करके काम चला रहे थे अपना वहाँ, और उन लोगों ने दंगाइयों ने मार दिया। और ये लोग जो भाषण दे देते हैं, एक बात कहे घर में बढ़ जाते हैं, उनकी पोस्टें आ रही हैं कि वो खाना खा रहे हैं रेस्टोरेंटों में और लोग मर रहे हैं उनके भाषणों। 3 दिन से ये था कि उनके जो लड़के साथ के थे उन्होंने कहा कि उनके टांग पे गोली लगी है। इतनी बात पता चली, वहाँ पर इतना कर्फ्यू है कि वहाँ बाहर निकलने नहीं दे रहे थे। तो आज वो लोग सुबह गए हैं वहाँ, तो जो पता चला है उसका लड़के का कि वो मर गया। सर वो एक गरीब परिवार से हैं, वो यहाँ से गए और किराए पर रहते थे, मेहनत मजदूरी करते थे। अब उसका जिस दिन दंगा हुआ तो सुबह अपनी दुकान पे था या दुकान बंद करके आ रहा था, तो उसे मार दिया गया। पता नहीं पुलिस ने मारा या दंगाइयों ने मारा। अब उसे 3 दिन खोजबीन कर रहे थे, मिल ही नहीं पा रहा था। तो आज सुबह पता लगा कि वो जीटीबी हॉस्पिटल में डेड है। तो अभी उसकी डेड बॉडी भी नहीं मिल पाई है। ये लोग गरीब लोग हैं, ये मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। इनका दंगे से कोई लेना देना नहीं था, और इन्होंने पता नहीं किसने मारा, पुलिस ने मारा या दंगाइयों ने मारा, उसका अभी ये भी शनाख्त नहीं हो पाई है। तो अभी हमें डेड बॉडी उसकी नहीं मिल पाई है। ये जो हिंदू, तो ये हिंदू मुस्लिम नहीं होनी चाहिए सर। कब तक होगी ये हिंदू मुस्लिम? क्यों ये राजनेता हम लोगों के बीच में हिंदू मुसलमान कितना जहर भर रहे हैं, जिससे कि एक दूसरे का दुश्मन बना हुआ इंसान। हम सब भाई भाई हैं, हमें मिल के रहना चाहिए। ऐसा आइंदा नहीं होना चाहिए, इतना सरकार को करना चाहिए कम। दंगे में मरने वाले मृतकों के परिवार लोगों से बस एक ही अपील कर रहे हैं कि देश में भाईचारा और सौहार्द कायम रहे, ताकि आगे धर्म के नाम पर किसी माँ को अपना बेटा, किसी बेटी को अपना बाप या किसी बहन को अपना भाई ना खोना पड़े। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज। टाइम 24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।